डेमोक्रेट्स उम्मीदवारों में एंड्रयू यांग को कम आंका जा रहा है, लेकिन उन्होंने उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं। यांग सभी के लिए मासिक आय की बात कर रहे हैं। Donald Trump's our president in part because you said he wanted to drain the swamp. Des Moines, I want to do something a little bit different. I want to distribute the swamp. साथ ही पूरे सिस्टम को बदलने की भी। Why wouldn't we move some of those jobs to Michigan, Ohio, Wisconsin, Iowa? You would save billions of dollars immediately. एरोस्पेस इंजीनियर जॉन निधिरी एंड्रयू यांग से इतने प्रभावित हुए कि वो कैंपेन का हिस्सा बन गए। मुझे लगता है कि हम में काफी समानताएं हैं। वो पूर्वी एशिया से हैं और मैं दक्षिण एशिया से। हम लगभग एक ही वक्त अमेरिका में बड़े हुए और हमारे अनुभव काफी हद तक एक से हैं। शहर के दूसरे हिस्से में एक और डेमोक्रेट कैंडिडेट को सुनने लोग जमा हो रहे हैं। Tomorrow begins the 2020 election. मेरे पीछे बर्नी सैंडर्स है। ये एक कैंपेन इवेंट है बर्नी सैंडर्स का। बर्नी सैंडर्स अपने स्पीचेस में आम लोगों की दिक्कतों, उनकी परेशानियों, क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी और बर्नी सैंडर्स के सामने भी सवाल ये है कि क्या वो प्रेसिडेंट ट्रंप को हरा पाएंगे। हर वोटर को लुभाने की कोशिशों के बीच में मैं एक डोर टू डोर कैंपेन में शामिल हुआ। साउथ एशियंस भी पीछे नहीं है। जैसे उनका रिप्रेजेंटेशन अमेरिका में बढ़ता है और हम हमारे लीडर्स को देखते हैं जो अभी इंडियंस हैं, कांग्रेस में काफ़ी लोग हैं जो जिनका बैकग्राउंड इंडियन है, तो वो जस्ट एक फ्यूल करता है लोगों को। सभी निगाहें अब आयोवा के नतीजे पर होंगी जो इशारा देंगी कि ट्रंप को कौन डेमोक्रेट टक्कर देगा। विनीत खरे, BBC, आयोवा।